الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآل وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير जिथे मेरे हुजूर देख दे में लगन उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिंदे ना दिया कसम अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो ओ चलो चलिए काबे दे हेठ बइए उस छां वर्गी कोई छां नहीं मोहम्मद मुस्तफा कहिए या अहमद मुजतबा कहिए खुदा के बाद बस वो है फिर इसके बाद क्या गई है
और जब उनका जिक्र हो तो दुनिया सारा पागो बन जाए, और जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। और शरीयत में तो साबित है के खातमुल अंबिया कहिए, और मोहब्बत का तकाजा है के महबूबे खुदा कहिए। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी पाक जात वास्ते है, जो के अकेला ही तमाम जहाना दा खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाहा अलीमुम बिदादिस सुदूर, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर। अम्मन खलक समावाति वल अर्ज व अंजल लकुम मिनस समाई माअन जैसिया, बेशुमार सिफात दा अकेला ही मालिक है। अल्लाह दी मुख्तसर जी हमदो सना तो बाद अनगिनत लातादाद बेशुमार लखां करोड़ो दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल हरमैन व सकलैन पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामियों पर के जिन्ना दी बदौलत दीने इस्लाम अज दुनिया दे कोने कोने अंदर फैलिया होया है। सामई नजी वकार मैं तुसा अहबाब दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे 25वें पारे विचों दो आयात बयनात तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कर चुकिया हाँ, और इंशाल्लाह इन्हां दो आयतां दी रोशनी दे अंदर अज दे खुतबे जुमतुल मुबारक अंदर तुसां अहबाब दे सामने कुछ गुजारिशात पेश करनियां ने। तर्जमा समात फरमा लवो। फरमाया लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्श, जमीन व आसमान दी सारी बादशाहत अल्लाह वास्ते वे। जमीन व आसमान दी सारी बादशाहत के वास्ते वे बोलो अल्लाह वास्ते। यखलुकु मा यशा, पैदा करन वाली जात भी ओए जिसनु चाहे पैदा कर दे। यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर, ओ चाहे ते बेटियां पैदा कर दे, ओ चाहे ते बेटे पैदा कर दे। वयहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा वयजअलु मन यशा वकीमा, देन ते आए ते बेटे अता कर दे, देन ते आए ते बेटियां अता कर दे, देन ते आए ते बेटे और बेटियां रलवे अता कर दे, ना देन ते आए ते बेटे और बेटियां कुछ भी ना अता करे। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह दी जात अलीम भी है कदीर भी है। अल्लाह तो अलावा कोई होर इस चीज ते कादर कदीर नहीं। दो आयतां पढ़िया, इन्हां दोवां आयतां दे अंदर जड़ा मैं मौजूद तुसां अहबाब दी खिदमत अंदर लैके आया वा वह है बेटी दी अजमत, बेटी दा मुकाम, बेटी दा मर्तबा,
दोबारा तर्जमा समाप्त फरमाओ। अल्लाह ताला फरमांदे ने यखलुकु मा यशा, जिसनु चाहे बेटियां अता कर दे और जिसनु चाहे बेटे अता कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान अंदर पहला बेटियां का जिक्र किया, बाद विच्चों अल्लाह ताला ने बेटियां का जिक्र किया। इमाम इब्नुल कय्यम ने इहदे तर्जमे अंदर यह तफसीर बयान की है कि अल्लाह ताला ने पहला बेटी का जिक्र करके ये दसिया कि बेटी अल्लाह ताला की तरफों एक अजीम नेमत है, बेटी अल्लाह ताला की तरफों एक अजीम रहमत है, बेटी अल्लाह ताला की तरफों अजीम बरकत है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, जहालत के अंदर, जमाना जाहलीयत के अंदर बेटी नूं बुरा समझिया जाता है, मनहूस समझिया जाता है, विरासत के अंदर हिस्सा नहीं सी दिता जाता, बेटी नूं ओ मुकाम मुयसर नहीं सन जो कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी आमद दे नाल मिले। तो सामईने कराम, आओ आज दे खुतबे जुमतुल मुबारक अंदर मैं तुसा अहबाब दे सामने बेटी दी अजमत दे हवाले दे नाल पहला रब दे कुरान विच्चों आयतां पढ़नियां ने, फिर इंशाअल्लाह नबी पाक अली सलातो वसलाम दे फरामीन पढ़ने ने, और आखर अंदर अंदर इंशाअल्लाह अठ ओ सुन्नतां जड़ियां मेरे सोने पैगंबर दे बेटी दे बारे ने ओह इंशाअल्लाह तुसा अहबाब दे सामने बयान करनियां ने। दुआ करो मैं अज दे खुतबे जुमतुल मुबारक अंदर जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू ओहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। सब कह दियो आमीन। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद आका दा नाम आए प्यार नल शौक नल जौक नल अदब नल मोहब्बत नल दुरूद पढ़ने जनाबे मुहम्मद। कौन मुहम्मद? शक्ल में अजमल, अकल में अकमल, नुतक में फैसल, खुल्क में अफजल। शक्ल में अजमल, अकल में अकमल, नुतक में फैसल, खुल्क में अफजल। जामे मुजमल, खुतबाए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक का दुलारा, नबियों में प्यारा, आंखों का तारा, दिल का सहारा। हक का दुलारा, नबियों में प्यारा, आंखों का तारा, दिल का सहारा। आंखों का तारा, दिल का सहारा, नबियों में प्यारा, नबियों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे सीने पाक दे नाजल होने वाला अल्लाह दे कुरान दा पहला मुकाम फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला दी जात ओ जात है जिदे कब्जा है कुदरत दे अंदर जमीनो आसमान नदियां बादशाहता ने यखलुकु मा यशाउ जिन्नो चाहे बेटे अता कर दे जिन्नो चाहे बेटियां अता कर दे आओ यु सब भी जो हम जुकराना इनासा वाया जालु मैया शाउ अकीमा जिन्नो चाहे बेटे और बेटियां एना दुआ नेमता तो महरूम रखे जे देन दे आवे बेटे अता कर दे जे देन दे आवे ते बेटियां भी अता कर दे जे देन दे आवे ते बेटे और बेटियां रलवियां अता कर दे जे नाम देन दे आवे ते ना बेटे दवे ना बेटियां दवे अल्लाह नो कोई पूछन वाला नहीं तिया देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे उन कौन पुछदा तिया देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे उन कौन पुछदा कुरान वाकयात दस खोल खोलने सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह कोल ने तिया देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे उनु कौन पुछदा आज बंदे आ तू ना ता रब वलों तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया आज बंदे आ तू ना ता रब वलों तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह कोल ने फरमाया लिल्ला ही मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर तिया देवे पुत देवे अल्लाह दी रजा ए तिया देन वाली जात की दी है अल्लाह ताला दी पुत्र देन ते आवे ते जात की दी है अल्लाह ताला दी अल्लाह तो इलावा ना कोई तिया दे सकदे अल्लाह तो इलावा ना कोई पुत दे सकदे अल्लाह तो इलावा ना कोई रलवे दे सकदे ते अल्लाह तो इलावा जिन्नु चाहे किसी नु कुछ भी ना दवे उन्नु कोई पूछन वाला नहीं है ए अल्लाह ताला दी अता है और ए अल्लाह ताला जिन्नु चाहे बेटे भी अता कर दे बेटियां भी अता कर दे आओ अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम बेटी दी अजमत दे हवाले दे नाल बयान करदा जावां मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व इज़ा बुशिरा अहदुम बिल उन्सा ज़माने जाहिलियत दी बात है फरमाया व इज़ा बुशिरा अहदुम बिल उन्सा ज़माने जाहिलियत दे अंदर जदों किसे नु ए खुशखबरी दित्ती जांदी है कि अल्लाह ताला आला ने तेनू बेटी अता की दिए ते जमाने जाखलियत दे अंदर की होया करदा सी फरमाया सल्ला वजूह मुसवदा
وہ قزیم زمانہ جاہلیت دے اندر جدوں کسے نو بیٹی دی خوش خبری دتی جایا کر دی سینا زمانہ جاہلیت دے اندر جدے گھر بیٹی پیدا ہندی ہی نا او دا رنگ زرد پہ جایا کر دا ہی او دا رنگ کالا پہ جایا کر دا ہی وہ قزیم او اپنا مول کم دا پھریا کر دا سی بڑی بستی محسوس کر دا ہی بڑی شرم محسوس کر دا ہی اے زمانہ جاہلیت دی بات ہے میں آج اونا بی بیاں نو اے گل سمجھا دے ماں جڑیاں بی بیاں آج مغرب دے طور طریقیاں تو متاثر نے اور ایک اندیا نے کہ اسلام نے سانو ماد اللہ کی دیتا ہے اسلام نے ماد اللہ سانو سختیاں ہی سختیاں دیتیاں نے اسلام نے ماد اللہ سانو پردہ دیتا ہے سانو تنگی ہم دیئے نا نا میری پینا اے گل کدی نہ سوچی کدی اے سوچی اسلام دی آمد تو پہلا عورتہ دیکھی حالات ہویا کر دے سن کتلے عورتہ نو زمدہ درگور کر دیتی جایا کر دا سی کتلے عورت پیدا ہندے انو اسے ویلے ختم کر دیتا جاندہ سی جیس گردے اندر بیٹی پیدا ہندی سی ماد اللہ لوگ سمجھ دے ہن اس گرب دے اندر کوئی نفوست آ گئی ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ تاثر دیتی لبرل بیبیاں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے او میری بہنا ایک بات یاد رکھو اسلام کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا ان کی زندگی زندگی نہ تھی ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں ہوا کرتا تھا پھر اسلام آیا اسلام جیسی عظیم دولت آئی پھر آج جو ہماری بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اور سونے پیغمبر علیہ السلام نے اسے ملکہ جتنی عزت دی اسے ایک باپردہ صورت کے اندر غلام جیسی صورت کے اندر پاک پاک رکھنے کے لیے اسے چھپایا گیا تاکہ یہ عام مارکٹ میں نظر نہ آئے یہ نیاب چیز ہے گھروں میں پردے میں رکھنے والی چیزیں ہیں لیکن افسوس آج مغرب سے متاثر ہونے والی بیبیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے غلط سوچتی ہیں اسلام کی آمد سے پہلے عورت کی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی دو مقام میں تو صاحب آپ دے سامنے بیان کر چکے پہلے مقام اندر میں اے ثابت کی تے کہ تیاں دیمن والا تے پوت دیمن والا ذات اللہ دیئے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام دے اندر تیاں دا پہلا ذکر کر کے دسیا کہ تیہ کوئی عام چیز ہے نہیں دوسرا مقام میں زمانہ جاہلیت تو صاحب آپ دے سامنے قرآن دے وچوں پڑھ کے رکھی ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر عورتوں دے نال کی سلوک کیتا جاندہ سی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو بعد عورت نو کی مقام ملیا او میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث ملاندا جاواں میرے اور دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دی عظمت دے بارے حدیثاں تین بیان کرن لگا پہلی حدیث فرمایا من کان لہ صلاہ سبناتن دنیا دے اندر جیس بندے دیاں تین بیٹیاں کنیاں دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بندے نو نا تین بیٹیاں عطا کی دیا نے فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّا اونا تینا بیٹیاں تے صبر کر دے خوش ہندے وَأَطْعَمَهُنَّا اونا نو اچھا کھانا کھلان دے وَسَقَاهُنَّا اونا نو اچھا پانی پلان دے اونا نو اچھا لباس پہنان دے مِن جِہَتِهِ
जितनी ओदे जिस्म दे अंदर जितनी ओदे अंदर ताकत मौजूद है अपनी हस्बे ताकत फिर ओदा फायदा की है। फरमाया कुन लहू हिजाब मिनन नार, फरमाया कल क्यामत वाला दिहाड़ा आएगा इन्हां तिन्हां बच्चियां नूं खाना खिलाम दे बदले इन्हां तिन्हां बच्चियां नूं पानी पिलाम दे बदले इन्हां तिन्हां बच्चियां दी अच्छी तरबियत करम दे बदले इन्हां तिन्हां बच्चियां नूं अच्छी तरबियत देन दे बदले अल्लाह ताला इन्हां नूं कल क्यामत वाले दिन अग तों परदा कर देंगे। कुन लहू हिजाब मिनन नार यौमल क़ियामा, कल क़ियामत वाले दिन होएगा ए तीन बच्चियां इदियां जहन्नम दी अग तों दीवार बना देनगियां, ए तीन बच्चियां इदियां कल क़ियामत वाले दिन इन्हों जहन्नम दे अंदर जान ना देनगियां। ए ते मैं पहली हदीस पढ़ी, आओ दूसरी हदीस। फरमाया मा मिन रजुलिन लहू इब्न ताली, दुनिया के अंदर जिस बंदे दियां दो बेटियां, किनिया बेटियां, पहला किनिया बयान की दियां तीन बेटियां, पहली हदीस च तीन बेटियां, होने वाली हदीस च दो बेटियां, दोवें ध्यान रखे। फरमाया मा बिन रजुलिन लहू इब्न ताली फयुहसिनु इलैहिमा, इन्हां दोवां बेटियां दी अच्छी परवरिश करदा है। मां सही बताहू औ सही बहुमा इल्ला अदखलताहुल जन्ना। फरमाया जड़ा बंदा दो बेटियां दी कफालत करदा है उन्हां दो बेटियां नूं अच्छा खाना खिलांदा है उन्हां दो बेटियां दी अच्छी तरबियत करदा है कल क्यामत वाला दिहाड़ा आएगा ऐसा बंदा सीधा जन्नत दे अंदर जाएगा। एक तीसरी हदीस, नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया दुनिया दे अंदर जिदियां दो बेटियां होवन ओ बंदा उन्हां नूं अच्छा खाना खिलाए अच्छा पानी पिलाए फिर उन्हां दी दुनिया दे अंदर अच्छी परवरिश करे कल क्यामत वाला दिहाड़ा होएगा जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाणगे। ए बंदा कल क्यामत वाले दिन जन्नत च मेरे नाल इंज होएगा जिवें एक हाथ दियां दो उंगलां होया करदियां ने। दो बेटियां दी हिफाजत करने वाला बाप, दो बेटियां नूं पालने वाला बाप कल क्यामत वाले दिन नबी पाक अली सलातो व सलाम दा पड़ोसी होएगा। दो बेटियां पालियां जिसने, दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले पाले खूब सवारेगा, दो बेटियां जेड़ा पालेगा पालेगा नाले खूब सवारेगा ओ ते आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, फरमाया लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासं व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। नबी पाक अली सलातो व सलाम दी हिदमत अंदर सैयदा आयशा तैयबा ताखिरा मुताखिरा आका अली सलातो व सलाम नूं अर्दां करदियां ने, ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, ए अल्लाह दे सोहणे पैगंबर जी, अज एक अजीब जिहा वाकिया पेश आया है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जी आयशा दसो ना अज अजीब वाकिया की पेश आया है। नबी पाक अली सलातो व सलाम नूं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
फरमांदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जी आज मेरी खिदमत दे अंदर एक बीबी आई हुई सी ओदे नाल ओदियां दो बेटियां भी आईयां सन मेरे कोल दो खजूरां मौजूद सन मैं उस बीबी नूं दोवें खजूरां अता कर दित्तियां उन्ने की कीता एक खजूर अपनी एक बेटी नूं दे दित्ती दूसरी खजूर अपनी दूसरी बेटी नूं अता कर दित्ती नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया ए ते उन्ने बड़ा चंगा ते बड़ा सोहना अमल कीता फरमाया अल्लाह दे नबी जी इत्थे बस नहीं है तीसरी चीज क्या है मेरे कोले कोर खजूर मौजूद मैं वो खजूर भी उस बीबी नूं अता कर दित्ती नबी पाक अली सलातो सलाम फरमांदे ने फिर की होया आका अली सलातो सलाम नूं दसदियां ने मां जी आयशा फरमाया उन्ने की कीता है उन्ने उन्ना दूआं उस खजूर नूं दो हिस्से करके एक हिस्सा अपनी छोटी बेटी नूं दे दिता दूजा हिस्सा दूजी बेटी नूं दे दिता नबी पाक अली सलातो सलाम ने बीबी देखी भी नहीं आका अली सलातो सलाम नु गवाही मिली है आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने लिख लवो ए बीबी पक्की जन्नती है पक्की जन्नती बीबी के जिसने अपनी बच्चियां दी कफालत दे अंदर कोई फर्क ना कीता और अपनी जात तो वध करके तरजीह दी आका अली सलातो सलाम नु ऐसियां बीबियां और ऐसे मर्द ऐसे लोग बड़े पसंद ने जड़े दुनिया दे अंदर बेटियां नु कदर दी निगाह नाल देखदे ने और बेटियां दी इज्जत करदे ने बेटियां नु मुकाम अता करदे ने जो उन्हां दा मुकाम है आओ टाइम थोड़ा रह गया है मैं अपने बकिया आखरी वक्त के अंदर नबी पाक अली सलातो वसलाम दियां अठ सुनना जो खुसूसम बिल खुसूस बेटियां दे मुतल्लिक ने ओ सुनांदा जावा ते नाल नाल अपने हालात दसदा जावा कि साडे की हालात ने असी बेटियां नाल की सलूक करने आ ते नबी पाक अली सलातो वसलाम की सलूक कर रहे करदे सन मेरे और दुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते कायनात अली सलातो सलाम नु अल्लाह ताला ने चार बेटियां अता कीतियां ने बोलो किन्नियां चार बेटियां अल्लाह ताला ने अता कीतियां ने इत्थों अंदाजा लगा लवो के बेटी अल्लाह ताला दी कितनी बड़ी अजीम नेमत है बेटी अल्लाह ताला दी कितनी बड़ी रहमत है कि अपने सोने पैगंबर अपने लाडले पैगंबर कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अता कीतियां ने फिर नबी पाक अली सलातो वसलाम दिया अठ सुनता नबी पाक अली सलातो वसलाम जदों किते सफर ते जाया करदे ना सफर तो वापसी आन तो बाद नबी पाक अली सलातो वसलाम पहले घर नहीं सन जांदे सीधा अपनी पहला बेटी दे घर जाया करदे सन आज साढ़े मुआशरे दे अंदर साढ़े की हालात ने आज साढ़े मुआशरे दे अंदर जड़ी बेटी ब्याह दीती जाए जिदी शादी हो जाए ओई अगर साढ़े कार आ जाए ते आ जाए सानू ओदे कार जान दी तौफीक मिल दी नहीं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए अजीम सुन्नत है आका अली सलातो वसलाम जदों भी कदी किसे सफर ते जाया कर दे वापसी सब तो पहला किथे जाया कर दे ओ बोलो वापसी नबी पाक अली सलातो वसलाम सब तो पहला अपनी बेटी दे घर जाया कर दे किन्नियां सुन्नतां सुनाईयां ने एक अठ पूरियां करनियां ने किन्नियां अठ नबी पाक अली सलातो वसलाम दी दूसरी सुन्नत मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम तिया नाल किन्ना प्यार कर दे कितना अदब देंदे कितना एहतराम देंदे हदीसे पाक अंदर आंदे नबी पाक अली सलातो वसलाम दी जदों बेटी मां फातिमा
तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे घड़ी मेरे पैगंबर दे घर अंदर आंदिया ने मेरे पैगंबर अपनी बेटी दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो जांदे ने इस्तकबाल वास्ते खड़े हो जांदे ने इस्तकबाल तो बाद मेरे पैगंबर अली सलाम अपनी बेटी दा माथा चुमदे माथा चुमन तो बाद हाल अहवाल दरियाफ्त करदे अपने कोल बिठांदे अपनी ईमानदारी नाल दसो क्या अज असी अपने मुआशरे दे अंदर अपनी बेटी नूं इतना मुकाम देने आ इतना ही मुकाम अगर अपनी बेटी नूं आज अपने मुआशरे दे अंदर देंगा ओ यार साडे कोल ते साडी बेटी हिस्सा मंग ले ओ साडी धी नहीं रहिंदी साडी साडे कोल भैन अपना हिस्सा मंग ले साडा मुंह बन जांदा है लेकिन कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे जन्नत कमानी चाहते हो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना जिंदगी ओवें गुजारनी है जिस तरह रसूलुल्लाह ने गुजार के दिखाई कितनियां सुनता हो गईयां दो सुनता पहली सुन्नत नबी पाक अली सलातो व सलाम सफर तो वापसी तो बाद सीधा बेटी दे घर जाया कर दूसरी सुन्नत नबी पाक अली सलातो व सलाम अपनी बेटी दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो जा कर दे नबी पाक अली सलातो व सलाम ने तीसरी सुन्नत समाप्त फरमाओ मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाली सलातो वसलाम हर नमाज तो बाद हर टाइम अकाली सलातो वसलाम अपनी बेटियां वास्ते अल्लाह ताला कोलो रहमत ते मगफरत दियां दुआवां कीती करदे तीन सुनता चौथी सुन्नत नबी पाक अली सलातो वसलाम अपनियां बेटियां नूं हमेशा अज़कार सिखलाया करदे अज असी अपने मुआचरे दे अंदर अपनी बेटी दी तरबियत सानू करन दा पता कोई नहीं पता नबी पाक अली सलातो वसलाम बेटियां दी तरबियतां भी करदे उन्हां नूं अज़कार भी सिखलांदे पंजवीं सुन्नत नबी पाक अली सलातो वसलाम अपनियां बेटियां नूं मुआमला ते जिंदगी सिखलाया करदे दुनिया दे अंदर कंज रहना है कंज उठना है कंज बहना है अकाली सलातो वसलाम अपनी बेटियां नूं इह चीज भी सिखलाया करदे नबी पाक अली सलातो वसलाम दी छेवीं सुन्नत नबी पाक अली सलातो वसलाम अपनी बेटियां नूं हमेशा तहज्जुद दी तलकीन भी कीती करदे नबी पाक अली सलातो वसलाम दी सतवीं सुन्नत जदों बेटी दी पैदाइश हुंदी ते खुश हुंदे अज असी अपने मुआशरे दे अंदर देखने आ जदों किसे दे घर बेटी पैदा होए ओदे चेहरे ते मादला मड़ वट आई जांदे ने वट आने चाहिए बेटी अता कीती है अल्लाह ताला दी बेटी होए खुश होना ही होना है बेटा होए ते खुश होना होना ही है अज असी अपने मुआशरे दे अंदर कैसा फर्क रखिया है बेटा पैदा होए मुबारकियां तेज हो जांदियां ने मुबारक ही मुबारक मठियाइया ही मठियाइया तकसीम करते फिरने लेकिन अगर साढ़े घर के अंदर बेटी पैदा हो जाए रिश्तेदारां दी आमद दा सिलसिला भी कट जांदा खैर ओदे वल बेटी पैदा होई है लेकिन अफसोस दा मुकाम है बेटा पैदा हुंदा मिठाइयां वंडदा फिरदा है ते बेटी पैदा होए ते कुछ भी ऐसा फर्क करना ऐ रसूल अल्लाह दा दस्या होया तरीका नहीं और नबी पाक अली सलातो वसलाम दी आखरी सुन्नत दस के मैं अपनी गुफ्तगू नूं इख्तिताम वल लैंदा जावां नबी पाक अली सलातो वसलाम ने अपनी बेटियां दे नाल कितना प्यार कीता है अकाली सलातो सलाम अपनी पे अपनी वफात तो कबल दुनिया दे जान तो कबल अपनी बेटी नू इतला दे दी थी के हुन ओ वेला आ गया है
किसे वेले भी मैं अल्लाह ताला दे कोल चले जाना है। आप दियां बेटियां गमगीन हो जाया कर दियां, लेकिन नबी पाक अली सलातो वसलाम नाल नाल उन्हां नूं कोई खुशखबरी दे दिते आ कर दे। नबी पाक अली सलातो वसलाम दियां ए अठ सुनता और नवी सुन्नत दस करके मैं अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करदा जावा। मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम ने सादगी दी इंतहा कीती है, सादगी दी इंतहा मेरे ते तेरे फायदे वास्ते कीती है। ओ सादगी दी इंतहा क्या है? मेरे और तुसाने पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ते सैयदना उमर इब्न खिताब आ जांदे ने, आ कर किरदा करदे ने, सोहणिया असी तुहाडे कोल सैयदना अली दे हवाले दे नाल हाजिर होए हां के अपनी बेटी का निकाह सैयदना अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नाल कर देवो। नबी पाक अली सलातो वसलाम नू मेरे नबी अली सलातो वसलाम नू इन्हां दोवां सहाबा दी गल बड़ी पसंद आई। आका अली सलातो वसलाम फरमांदे ने जा करके सैयदना अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नू बशारतां दे देवो कि जाओ ना, मैं अपनी बेटी का निकाह तुहाडे नाल करने वास्ते तैयार हाँ। लेकिन जा करके सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को पूछ लवो, ऐ अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क्या हक मैर देन वास्ते त्याड़े कोल कुछ है? वे कुर्बान जावा मैं कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया अदावा तो अकाली सलातो वसलाम निंदा दे मोहब्बत तो सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने, ए अल्लाह दे सोने पैगंबर जी, मेरे कोल सिर्फ जंगे बदर दी बची होई एक जिर्रा मौजूद, आउना इन्हां दोवां हस्तियां दा मैं तारफ करांदा जावां। कौन पैगंबर अली सलातो वसलाम अगर एक इशारा करें चांद दो टुकड़े हो जाए? कौन पैगंबर मेरा ईमान मेरा अकीदा कि मेरे पैगंबर ओहद की तरफ इशारा करें वो सोना हो जाए? कौन पैगंबर मेरे पैगंबर सलातो वसलाम ख्वाहिश जाहिर करें अल्लाह ताला पूरी दुनिया के हर चीज को मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम के सामने सोना बना करके पेश कर दें? और दामाद कौन है सैयदना अली शेरे खुदा? कौन अली फातिह खैबर? कौन अली के जिन्होंने कभी जिंदगी में शिकस्त ना खाई? अल्लाह के फजलो करम के साथ जिस मैदान में उतरे, गाजी बन करके उतरे, जिस मैदान में उतरे, बड़े बड़े काफिरों की बड़े बड़े दलेरों की गर्दनें उड़ा दी। लेकिन मुआमिलात जिंदगी क्या है? नबी पाक अली सलातो वसलाम फरमांदे ने, ऐ अली जी तुहाडे कोल की मौजूद है? फरमाया मेरे कोल एक ही जीरा मौजूद है। सुभान सुभान। नबी पाक अली सलातो वसलाम फरमांदे ने चलो इनू सेल कर लवो, इनू सेल करन तो बाद एदी जड़ी कीमत मिलदी है ना उस कीमत दे नाल सैयदा फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे जहेज़ दा समान तैयार हो जाएगा। इधरों सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान दे दरवाजे ते जांदे ने, दरवाजा खटखटांदे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने मैं जीरा वेचना चाहना वा, मुख्तसर करना अपनी गल। सैयदना उस्मान ने जीरा दी जड़ी कीमत है उस तो खुशी दे नाल डबल कीमत अदा कर दी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
400 दिरहम लेकर के नबी पाक अली सलातो व सलाम की खिदमत के अंदर आ जाते ने। नबी पाक अली सलातो व सलाम पैसे फड़ के सैयदना अबू बकर सिद्दीक ते सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अता कर देंदे ने। आका अली सलातो व सलाम फरमांदे ने अबू बकर सिद्दीक ऐ सैयदना उमर इब्न अल खिताब जाओ इन्ना पैसों दे नाल सैयदा फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह खिताला अलैहा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वास्ते जहेज दा सामान ले कर के आओ। मार्केट अंदर गए, बाजार अंदर गए, जहेज दे समान अंदर की आंदा है? एक चक्की। जहेज दे समान अंदर की आंदा है? एक मटका। जहेज दे समान अंदर की आंदा है? एक जाए नमाज। जहेज दे समान अंदर की आंदा है? छोटिया छोटिया अशियाए घर दियां जरूरियां चीजा। आज उम्मत के लोगों ने खुद को मुश्किलात का शिकार कर लिया है। कौन फातिमा तु जहरा, मेरे पैगंबर की लाडली बेटी, लेकिन मेरे पैगंबर ने जहेज को कभी उतनी अहमियत नहीं दी जितनी आज का नौजवान अहमियत देता है। आज के नौजवान की नजर है मुझे जहेज में गाड़ी मिले। आज के नौजवान की ये ख्वाहिश है मुझे जहेज में बेड का मुकम्मल सामान मिले। आज के नौजवान की ख्वाहिश है मुझे जहेज में फर्नीचर का मुकम्मल सामान मिले। ओ लोगों, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में आका अलैहि सलातो वसलाम के कदमों के नीचे आने वाली खाक पर कुर्बान करता हूँ। कायनात के इमाम ने जहेज का इतना आसान तरीका इसलिए बताया था कि उम्मत में कोई बेटी मुश्किलात का शिकार ना हो। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को जहेज में एक चक्की अता की है। हालांकि मेरे पैगंबर चाहते दुनिया की दौलतें मेरी और तेरी माँ सैयदा फातिमा के पांव के नीचे रख देते, लेकिन मेरे पैगंबर के हाँ, अस्हाब के हाँ दुनिया के मालो मता की कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ ईमान की कीमत थी, वहाँ ईमान चला करता था। नबी पाक अली सलातो वसलाम ने जहेज में एक चक्की अता की, एक मटका अता किया, इबादत करने के लिए एक जायज नमाज अता की और घर का कुछ अशियाए जरूरिया अता किया। आज साढ़े मुआशरे के अंदर यकीन दसो सारे सियाने बंदे बैठे हो, धियां भी आन लगियां, मुश्किलात है निकलने, लेकिन जे सैयदा फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा दा जे निकाह ही देख लिया जाए, उस जिस तरीके नल होया, अपनी ईमानदारी नल दसो अज साडे मुआशरे अंदर किसे गरीब दी बेटी व्याह वास्ते परेशान होए ना होए। आज असा अपने ते मुश्किलात खुद ही इकट्ठिया कर लिया ने, अपनी ख्वाहिशात दे ताबेदार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दिया सुन्नतां नूं छड़िया है। 4 तो 5 कुरान दिया आयतां बेटी दी अजमत अंदर बयान की दिया। नबी पाक अली सलातो वसलाम दिया 9 सुन्नतां तो सहाबाब दे सामने बयान की दिया कि नबी पाक अली सलातो वसलाम बेटियां नाल कितना प्यार कर दे। 2 चीज़ां होर अज असी अपने मुआशरे दे अंदर 2 चीज़ां मजीद ज्यादतियां करने आ। एक ते असी अपनी बेटी नो विरासत दे अंदर हिस्सा, ओ बोलो ते सही, नहीं देंदे। ए साडा हक है, बराबर फर्ज है। भरावां कोलो नहीं पुछनी जिन्नी वालदैन कोल पुछोनी। तू माशाल्लाह हज करके आना, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। तू पहली सब दा नमाजी है, अल्लाह तेरी नमाजा कबूल करे। इबादत अपनी जगह, मुआमलात अपनी जगह। अगर अपनी बेटी नू आज विरासत के अंदर हिस्सा ना दिता, कल क्यामत वाले दिन ये तेरा गिरेबान पकड़ सकती है। बोलो, पकड़ सकती है कि नहीं? दूसरी बात, आज असी अपने मुआशरे के अंदर अपनी धियां नू उन्हां दी ख्वाहिश नहीं पुछदे
कि हाँ भाई मेरी बेटी फलां दे नाल तेरा निकाह करना चाह रहा वा, मेरी बेटा क्या तेनू ये पसंद है? ये कोई शर्म वाली ते गैरत वाली बात नहीं, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, दुनिया सारिया दी, दुनिया दे अंदर जितने लोगों ने सब दी गैरत एक जगह इकट्ठी कर ली जाए, कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक गैरत दा मुकाबला कर सकती नहीं कर सकती। ए रसूल अल्लाह ने हुक्म दिता है कि अपनी धिया नू ये पूछ लिया करो कि बेटी तेरा फलां दे नाल निकाह करना चाह रहा वा, क्या तेनू ये निकाह कबूल है? तो हजरत जी वकार बेटी दी अजमत दे हवाले दे नाल 10 से 12 चीज़ां तुसां अहबाब दे सामने बयान कीतियां। दुआ करो अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू इहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।